इसको। पता नहीं, चलते चलते गिर के बेहोश हो गया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये इसके पास मिले। लगता है भूख की वजह से इसने ये फल खा लिया है, और 100% ये कोई जहरीला फल है। इसे पानी पिला के उल्टी करानी पड़ेगी। पकड़े इसे। राहुल, 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 पानी पियो राहुल। राहुल, मुंह खोलो राहुल। परमेश्वरा, ये कैसी दिवाली है? यहाँ इस बच्चे की ऐसी हालत, तीन लोगों को हम खो चुके हैं, तीन जो समुंदर में गए हैं, दो दिन से उनका कोई पता नहीं। अगर राहुल को कुछ हो गया तो मैं भी ये फल खाकर जान दे दूंगी। चारों तरफ समुंदर के खारे पानी और लहरों की डरावनी आवाज के सिवाय ना तो कुछ दिखाई दे रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है, और वो लोग भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कम से कम दो दिन तो हमको लौटने में ही लग जाएंगे। और ये नारियल, ये इतने नहीं है कि हम लोग एक दिन और भी इनसे गुजारा कर सके। तो मुझे लगता है कि समझदारी इसी में है कि हम लोग वापस लौट चले। जब तक जमीन नहीं दिखती मैं वापस नहीं जाऊंगा। बी रियलिस्टिक भास्कर, पागलों जैसी बातें मत करो। अच्छा, भगवान ने हमें जिन हालात से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है, क्या वो किसी को पागल करने के लिए काफी नहीं है? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे नारियल। चार दिन भूखा रहूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। कोई नहीं भास्कर पुत्र, कोई नहीं। तेरा हौसला और हिम्मत देखकर तो कमजोर बंदा भी उठ के खड़ा हो जाए। तो फिक्र ना कर, जब तक जमीन नहीं दिखेगी ना हम चलते रहेंगे। हाँ अंकल, अंकल मुझे अपनी चिंता नहीं है, फिक्र है तो रितिका की। आप मेरे भैया भाभी को नहीं जानते, उन्होंने उसका बुरा हाल कर दिया होगा। पता है आपको, मेरे जाने की खबर सुनकर वो बहुत रोए थे। पता नहीं लेकराश के बारे में सुनकर
उसका क्या हाल हुआ होगा? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था भाभी? आप चाहती क्या है मुझसे? सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि हमारे घर के आंगन में कब तक कुंडली मारकर बैठी रहोगी तुम? रो मत पुत्र, रो मत। रब ने चाहा तो हम सब अपनों तक पहुंच जाएंगे और निसार भी तो अपनों की बात कर रहा है। जिन्हें हम उस टापू पे छोड़ कर आए हैं वो भी तो हमारे अपने ही। लेकिन अंकल, हालात जैसे हैं वैसे ही रहे तो पुत्र मेरी और भारती बहन जी की जिंदगी तो कट गई है। जिंदगी का लंबा सफर तुम लोगों को तय करना है। अब पुत्र मर्जी तुम्हारी है, उम्मीद के साथ तय करो या ना उम्मीदी के साथ। और सबसे ज्यादा तो हमें उस छोटे से बच्चे के बारे में सोचना चाहिए जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही उस टापू में हो रही है। कितना तेज बुखार है बच्चे को, ऐसी मुसीबत के वक्त निसार भी नहीं है यहाँ। अगर लगातार इसका माथा ठंडा नहीं रखा गया तो इसे ब्रेन फीवर भी हो सकता है। अगर उल्टी हो जाती इसे तो अब तक तो ठीक हो गया होता। हाँ जी, राहुल को क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, कोई जहरीला फल खा लिया उसने। Something poisonous. रुको, मैं देखता हूँ। अरे, खबरदार जो बच्चे को हाथ लगाया तो। क्यों? मैं बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता। हाथ लगाना तो दूर, राहुल के ऊपर तुम्हारी छाया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं। ठीक है, समझ गया मैं। लेकिन मैं डीके और मंत्री जैसा गिरा हुआ आदमी नहीं हूं। अच्छा, तो हर बुरे काम में उनका साथ क्यों देते हो? अपने बच्चों का पेट पालना था, जब कहीं काम नहीं मिला तो मंत्री की हां में हां मिलाने की नौकरी कर ली। लेकिन मेरी हर हां जबान से होती है, मन से नहीं होती। तुम लोग तो एक दूसरे के सामने अपना दुखड़ा रोकर अपनी भड़ास निकाल लेते हो, लेकिन मैं तो आज तक अपनी बेटी के लिए उस मंत्री के सामने रो भी नहीं पाया। ये राहुल जैसी बेटी है मेरी, मेरे सीने में भी बाप का दिल है जो रात के अंधेरे में चुपचाप अपनी गुड़िया के लिए रोता रहता है। मैं इस फूल से बच्चे का बुरा चाहूंगा। आई एम सॉरी। वीनू, देखो हम तुम्हारे लिए कितने सारे पटाखे लेकर आए। वो बम भी लेकर आए हैं जो इस दीपावली में हम तुम्हें चला के दिखाने वाले थे। लेकिन ऊपर वाले का खेल देखो, वो बम भी है, हम भी हैं। मगर जिसे चलाकर दिखाने वाले थे बस वो ही नहीं है। लगता है वीनू बहुत पटाखे चलाया करता था।
हाँ, हमारे हिस्से की भी, मगर आज तुम चलाना, हाँ? हमारे हिस्से के भी और वीनू के हिस्से के भी। नहीं भाई जी, मैं मामा पापा के एक्सीडेंट के बाद से दिवाली नहीं मनाता, घर में पूजा कर लेता हूँ बस। अच्छा, ऐसा बुरा वक्त आया है जिसने सबके घरों में अंधेरा कर दिया। आप आएंगे पूजा में? सरगम को बुलाया? पता नहीं भाई जी, वो आएगी कि नहीं। अच्छा ठीक है, हम उसे लेकर आते हैं, तुम चलो। ठीक है भाई जी। Rahul ka tabiyat bahut bad. His condition is continuously. मुझे मालूम है, बिगड़ती जा रही है। बहुत हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रही है। Alice, death is playing games with us. मौत अगर नहीं भी आती है तो चारों तरफ मंडराती रहती है। निस्वार्थ हो राहुल के लिए definitely कुछ करता। He is a doctor. वाह अंकल भास्कर निसार, और यहाँ हम, और जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ ये बच्चा। इस दिवाली ने, इस सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ने हम सब की जिंदगी में अंधेरा कर दिया, सिर्फ अंधेरा। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में दिन भी ढलने वाला, फिर आएगी अंधेरी रात। लगता है आज की रात भी समंदर के बीच ही कटेगी। तेरी देख कुलदीप पे कितने पटाखे लेके आया मैं। पागल तो नहीं हो गया? ये फुलझड़ी, ये पटाखे क्यों लेके आए हो? क्यों लाए? वो सारे क्यों लेकर आते हैं, हैं? क्यों? इतने बड़े हादसे के बाद शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? ओए आज त्योहार है, और त्योहार के दिन भी के मैं मातम मनाऊं यहाँ पर? फिर झगड़ा? त्योहार के दिन ऐसे झगड़े नहीं करते। कुलदीप आ, बार दिए जला के आते हैं। चल आना, ले बार दिए जला। शादी के बाद यह हमारी पहली दिवाली है। मामी जी दरवाजे पर एक दिया जला दूं?
जाओ जल्दी से। देखो कितने सारे क्रैकर्स लाए हो तुम्हारे लिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सिट, ये लो। पापा मुझे रॉकेट चाहिए। अरे यार रॉकेट लाना तो मैं भूल गया। पापा मैंने आपसे कहा था ना कि रॉकेट लाना। रॉकेट लाना है लेते रॉकेट। ये। मैडम आपके लिए वैसे मैं फुलझड़ियाँ। ओह और आपके लिए? अपने लिए क्यों? मेरे पास है ना अपनी एक खास फुलझड़ी। All to my sir. What are you doing, Misha? हमारे पास यहाँ न लक्ष्मी माँ की मूर्ति है न ही गणपति की। तुम ही हमारे गणपति और लक्ष्मी हो। आज के दिन हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए, हमें इस बच्चे की जिंदगी चाहिए। तूने हर रूप में भक्तों की रक्षा की है, कभी काली माँ के रूप में कभी दुर्गा के रूप में। आज राहुल के लिए जीवनदानी माँ का रूप देकर चमत्कार दिखा और इसे जीवन दान दे। एक बेटा गवा चुकी हूँ, अब इसे नहीं जाने दूंगी। तू देवी है तो मैं भी माँ हूं, अपनी जान दे दूंगी, न अन्न खाऊंगी न जल ग्रहण करूंगी। राहुल से पहले तुझे मेरे प्राण लेने पड़ेंगे, मेरे प्राण।